नमस्कार, मैं अजय और आज मुद्दा वो है चुनावी, क्योंकि जैसे ही जनरल महिला की सीट आई, लकी ड्रा निकला, वैसे ही शहर के लोगों ने अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी हर समाज से। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है न्याय परिसर, जिसको भाई जिला बार एसोसिएशन भिवानी परिसर में सांसद, ये सांसद वाला जो उसकी योग्यताएं हैं वो करवाएगा, यानी बार जिला बार एसोसिएशन के अंदर है। तो आज बुद्धिजीवियों के बीच में हूँ और पढ़े लिखे वर्ग के बीच में हूँ, तो जानने की कोशिश करूँगा कि नगर परिषद चेयरमैन, अब की बार महिला सीट आई है, कैसे तो महिला हो और क्या क्या उसके कार्य हो ताकि शहर को स्वच्छ वे साफ सुथरा बनाया जा सके। तो मेरे साथ में पहली जुड़ गए भी मधुबाला तिवारी जी, एडवोकेट। नमस्कार जी। नमस्कार चेयरमैन का। नमस्कार, थैंक यू। आपकी जो अब की बार चेयरमैन बनेंगे वो कैसी हो, कैसा उसका कार्य हो और फिलहाल के कार्य को आप कहाँ देखते हैं, छोटी कसी की आज दशा क्या मानते हैं, पढ़े लिखे वर्ग है। मैंने तो खुल लड़ा था 95 में चेयरमैन का, जनरल महिला का तब फर्स्ट टाइम हुआ था। अच्छा। फर्स्ट टाइम लेडीज की राजीव गांधी ने करवाई थी। हाँ, 1/3 रिजर्वेशन कर 95 की योद्धा हैं। हाँ, एक ही वोट से आ रही थी मैं, एक वोट से आ रही थी। तो अब की सपोर्टेड जो कैंडिडेट थी वो जीत गई थी और मैं रह गई थी, क्योंकि कैंडिडेट हमेशा ही गवर्नमेंट का। 2022 का चुनाव किस तरह से देखते हैं, क्या देखते हैं और 1995 से लेके अब तक में क्या फर्क पड़ा, कितना पारदर्शिता आई और क्या भ्रष्टाचार उजागर हुआ? करप्शन तो दिन पे दिन हर फील्ड में बढ़ ही रही है, उसका तो एंड मुश्किल ही हो दिख रहा है मुझे तो ना कि हो जाएगा एंड, क्योंकि हर लेवल पे आदमी ही आत्मा से, दिल से, दिमाग से करप्ट हो चुका है, एडजस्ट कर लेता है। आज छोटी का सीधी दशा क्या मानते हैं, सफाई के मामले में, व्यवस्था के मामले में? सफाई ठीक ही है, वैसे तो इतनी खराब तो नहीं है सफाई व्यवस्था, फिलहाल ठीक है, काफ़ी ठीक है। अच्छा, अगर मजबूत कैंडिडेट चेहरे की बात की जाए तो किसको मानते हैं, क्या मानते हैं कि किस प्रकार की महिला को आना चाहिए? मुझे तो लगता नहीं इस टाइम कोई ऐसी लीडर है इस शहर। अच्छा, तो कोई शहर में लीडर है ही नहीं, है ही नहीं लेडी लीडर कोई भी। मधुबाला जी ने कट्टा रोक दो, सही बात है, जो कोई भी लेडी है, एक्टिव कोई लेडी नहीं है, यानी किसी भी पार्टी की नहीं है, यानी कुर्सी पे नाम की बैठेंगे वो काम करेंगे हस्बैंड परिवार, वो जो टिकट ले आएगी वो जीत जाएगी, रूलिंग पार्टी का मोस्ट चांसेस तो चांस रहेगा ना, काम महिला का नाम रहेगा, कुर्सी पे नाम रहेगा, लेकिन जेंट्स के रूम में हस्बैंड काम करेगा, ये भी हो सब वही चलती आएगी, ये भी हो सकता। तो प्रथा ये चलती आ रही कहीं ना कहीं, मैं मधुबाला तिवारी जी का स्पष्ट विचार है, जो 1995 के अंदर पहली महिला है जो चुनाव लड़ा था नगर परिषद का और एक वोट से आ रही थी। तो उरे हैं अंजुवाला अत्री जी, महिलाएं हैं आज ज़्यादा, महिला तो बात ज़्यादा करांगे। नमस्कार, अब की बार जो चेयरमैन की सीट है महिला की आ गई, तो क्या देखते हैं और क्या उस चेयरमैन के अंदर काबिलियत हो? ये तो रोटेशन के हिसाब से सरकार जैसे भी निर्धारित करती है, महिला सीट आ गई इस बार, इस बार आ गई आपके लिए भाग्यशाली है जी। क्योंकि आप भी महिला ग्रुप में काम कर रहे, तो आप अपने जो महिला चेयरमैन बनेंगी उससे क्या तो आस रखते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं शहर के अंदर? हाँ, हम इस तरह की चाहते हैं व्यवस्था कि वो जो महिला चेयरमैन बने वो बहुत अच्छे से शहर को मेंटेन करके रखे, और जो भी तरह की व्यवस्था क्या मानते हैं अब? अभी कोई ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं, अच्छी है, अच्छी व्यवस्था नहीं है। चलो भाई, अंजुबाला अत्री जी ने कह दिया कि सॉरी बताओ अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो ये बाजो फर्स्ट फ्लोर अंदर की तरफ चलते हैं अधिवक्ताओं के, आज सभागार में कर लो, कमरे कर लो अलग अलग, तो राय तो उनके लिए मांगे कि अब की बार जो आपका चेयरमैन का चेहरा होगा किस प्रकार का होना चाहिए, क्या उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए और क्या व्यवस्था वो करके कर सके शहर के लिए, ये व्यवस्था देखी जाए कि आपका नगर परिषद चेयरमैन कैसा हो। नगर परिषद का चेयरमैन आवश्यक रूप से सेवा भावी हो, सेवा का काम करने वाला हो, जनता की बातें सुने, जनता की जो है काम है वो सारे के सारे काम करें, प्रदेश का देश का तो ऊपर वाली सरकार कर लेगी, लेकिन नो डाउट कि शहर के काम करने के लिए शहर की सरकार का मुखिया चेयरमैन होता है, उसी को सारे काम करने चाहिए। नमस्कार। नमस्कार। अब की बार चेयरमैन की सीट महिला की से आई है, और किस प्रकार की महिला का होना चाहिए और क्या व्यवस्था आज आप अपने शहर की व्यवस्था काम की कार्य की देख रहे नगर परिषद के द्वारा? देखो, चेयरमैन के लिए ये वुमेन सीट तो डिक्लेयर हुई है जी, पर वो कैंडिडेट आनी चाहिए जो शहर का
बिल्कुल एकदम बदल दे सिस्टम सारा। अच्छा। कि बहुत काम की ज़रूरत है और ऐसी महिला को बनाना चाहिए जो रात दिन एक करके इस शहर का सुधार करें। अधिवक्ता मंजू शर्मा के रूम में, महिला के रूम में आज अधिवक्ता करते हुए और लोगों को न्याय दिलाते हुए कोर्ट परिसर के अंदर। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आपकी बात मुबारक हो, महिला सीट आ गई चेयरमैन की, तो क्या भूमिका रहनी चाहिए और किस प्रकार की महिला को चुनना चाहिए शहरवासियों को? देखो, ये हमारे लिए और भिवानी शहर के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का विषय है कि चेयरमैन की सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हुई है। इसके लिए हम जो भी प्रशासन है उनका धन्यवाद करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है इस विषय की। अब बात है कि हम किसे चुने। बहुत ही समझदार लोग हैं व्यक्ति और महिलाएँ भी। मैं चाहती हूँ चेयरमैन के पद के लिए और पार्षद के लिए भी पढ़ी लिखी और जो कर्मठ कार्यकर्ता हो, जो काम करे। केवल इतना ही नहीं कि महिला बना दीजिए, घूंघट में बैठी है, काम सारे पति कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी नियुक्त करे, मेरा निवेदन है शहर निवासियों से कि वो उन व्यक्ति को देखें, महिला को देखें और सही महिलाओं को चुनें और चेयरमैन को मद्देनज़र रखते हुए ही पार्षद को चुनें वो। तो अब की बार मैम आपको क्या लगता है किस प्रकार की महिला को देखा जा सकता है, क्योंकि महिला अधिवक्ता है, शहर के अंदर जाते हैं, होल्डिंग वोल्डिंग में कई जगह लगे हुए, तो क्या लगता है कि अब की बार शहर की सेवा कौन सी महिला कर सकती है? देखो, ऐसा है, कोई भी महिला आए, पढ़ी लिखी आए, अभी जो पार्षद हैं उनमें से भी काफ़ी एक्टिव महिलाएँ हैं, मैं ऐसा नहीं कहती नहीं है, लेकिन हाँ, पढ़ी लिखी आए और जो काम करने में सक्षम है वो आए। ऐसी महिलाओं को शहरवासी ना चुने जिनके पति आगे आगे घुस के वोट मांग रहे हैं और काम भी पति कर रहे हैं, मीटिंग्स में भी पति जा रहे हैं, सब कुछ पति कर रहे हैं और कागजों में वो महिला खड़ी है। तो क्या ऐसा नहीं, आप के संज्ञान में कुछ चेहरा ऐसा है शहर का? देखो, मेरे संज्ञान में ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं। देखो, कुसुम शर्मा एडवोकेट हैं, मैं उनसे परिचित हूँ, मुझे मालूम नहीं वो चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी। और मीना जांगड़ा हैं, जैसे मीना शर्मा हैं, वो भी बहुत सामाजिक कार्य काम करती हैं। रेखा राघव हैं, मुन्नी तंवर हैं, ये मैं जिनको जानती हूँ, काफ़ी मेहनत कर रही हैं ये और काम भी इन्होंने काफ़ी किया है। तो मुझे खुशी है कि महिलाएं आगे आएंगी और अब चेयरमैन की सीट निर्धारित होने से तो वैसे भी बहुत ज़्यादा महिलाएं आगे आएंगी। तो पार्षद के लिए शहर की स्थिति कहाँ देखते हैं, सफाई की व्यवस्था अगर बात की जाए? देखो, ऐसा है, आपको ध्यान होगा कि सफाई व्यवस्था को लेकर मैंने केसेस किए थे जिसमें सफाई व्यवस्थाएँ बहुत ज़्यादा ठीक हुई थी और सुधरी भी थी। तो थोड़ी सी कमी है, अभी भी सफाई में भी कमी है और जो ये आवारा पशुओं की है ये भी कमी है, तो ये सब ठीक होनी चाहिए। और हर पार्षद अपने एरिया को अगर साफ़ सुथरा रखेगा और व्यक्तियों को लगे कि यह हमारा पार्षद है जो काम करेगा, जो हमारे को सुन सकता है, उसको चुनना चाहिए। निश्चित ही अब के वर्तमान के जो जिला पार्षदों को और चेयरमैन की अगर सीट की बात की जाए तो कितने नंबर देंगे काम के? मैं तो 10 में से अगर कहेंगे तो सिर्फ 2 नंबर दूंगी। सिर्फ 10 में से 2 नंबर? 2 नंबर। वही अधिवक्ता सोहनलाल मुखर्जी के रूप में। सर नमस्कार। नमस्कार सर। चेयरमैन अब की बार कैसी हो? चेयरमैन जो शहर को अच्छा रिप्रेजेंट कर सके, जिसकी सोच अच्छी हो, विकास की हो और विकास करने के काबिल हो, वो चेयरमैन होना चाहिए। तो मकर साहब, आप भी समाज के अंदर प्रबुद्ध हैं और कहीं ना कहीं भागीदारी रखते हैं पंचायतों में, मीटिंगों में, उपपार्लियामेंट में, तो किस प्रकार का चेहरा देखते हैं अब की बार, किस प्रकार चेहरा होना चाहिए? चेहरा बहुत बढ़िया होना चाहिए जो सबको साथ लेकर के चलने वाला हो। तो क्या अब की बार किसी मन ठुकरा अभी तक कोई आया है चेहरा? अभी तक विचार विमर्श लोगों में चर्चा थोड़ी बहुत चल रही है। चर्चा यह है कि भाई अभी यहाँ का शहर के लिए लेडीज के लिए सुरक्षित लेडीज के लिए आया है। किसका नाम चर्चा में आ रहा महिला का? महिला का तो अभी किसी विशेष व्यक्ति का तो नाम अभी तक नहीं आया है। वैसे आपका अगर बात की जाए, आपका मन की बात की जाए, भाई वो चेहरा अच्छा है, उसके परिवार से पुत्र वधु गुरु में, बहू गुरु में, बेटी गुरु में वो चेयरमैन बने तो काम हो सकता है, आपके हिसाब से क्या लगता है? मैं ये समझता हूँ कि पहले से अगर कोई पहले पार्षद है उसको फिर मौका मिल जाए चेयरमैन का। किस पार्षद में बताए पहले वो बताए, खुल 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 के बताए। नहीं नहीं, आप किस विषय में बताओ ना। चेयरमैन के ऊपर भाई आपका मन किसका ऊपर ठुकरा फिलहाल आज के दिन देखते हुए? ऐसा है कि ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट अलॉट करनी है, भारतीय जनता पार्टी ने,
और भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को टिकट अलॉट करेगी जी, तो सरकार का देखो समर्थन उसके साथ होगा। तो क्या आप लोग किस तरह से अपना दायित्व निभाएंगे, किस प्रकार चेहरे का नाम आगे भेजेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा आएगा उसके साथ हम खड़े होंगे और उनको विकास के लिए सुझाएं भी गए और करवाएं भी गए और शहर का विकास करवाएंगे। आज आपके समाज में ऐसा चेहरा नहीं है कोई जो नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव की फाइट कर सके? अभी तक तो कोई विचार विमर्श इतना हुआ नहीं है क्योंकि अभी घोषणा हुई है, अभी कुछ समय लगेगा विचार करने करवाने में जी। और तब आपको बताएंगे कि भी चेहरा ये बेटर चेहरा है जो कि वो विकास के लिए अच्छा साबित हो सकता है। थैंक यू सर। तो बात की अधिवक्ताओं से, चाहे सोनलाल मक्कल जी की बात हो, चाहे आपके सरदाना साहब की बात हो, चाहे आपके दुप्पर जी की बात हो, और महिला अधिवक्ताओं भी थी जिसके अंदर चेहरे देखे जा सकते थे, तो सभी ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन सभी ने कहा कि ऐसा महिला हो जो सीट पर बैठ सके, वो किसी के अधीन ना हो और कार्य में निपुण हो और वो अपने शहर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलवा सके। और कई वकीलों ने अधिवक्ता ने बताया कि शहर की दशा भी कहीं ना कहीं खराब ही देखी जा सकती है और कई अधिवक्ताओं ने नंबर भी दिए काम के। तो जो भी चेहरा होगा अब की बार कोई मजबूत चेहरा होगा, क्योंकि अब की बार का जो चुनाव होगा वो हर वर्ग का अब की बार इसमें हिस्सेदारी दिखा रहा। JN News से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।